अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जी गुड़ की चाय बनाएं तो दूध ख़राब हो जाता है। तो जिस तरीके से मैं बनाना सिखा रही हूँ या बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपके दूध जो है वो ख़राब नहीं होगा, आपकी चाय जो है वो अच्छी बनेगी। तो चलें बनाते हैं गुड़ की चाय। तो व्यूअर्स, अगर आप सर्दियों में ये चाय बना के पियेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। इसमें खांसी का भी काफ़ी ज़्यादा आराम आएगा, उससे आपका गला भी साफ़ होगा और गर्म भी काफ़ी होगी, इससे आपको ठंड भी कम लगेगी। तो मैं गुड़ की चाय तो बनाऊंगी, उसके साथ थोड़ी सी और इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, जिससे ये होगा कि आप अगर आप बच्चों को पिलाएंगे तो बच्चे ठंड से जो है वो महफूज रहेंगे। ये मैंने एक कप छोटा पानी का रखा है। मैं चीज़ें डालने वाली हूँ वो है सौंफ, लौंग, दालचीनी और अदरक। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम पानी में डाल देंगे और पानी को बॉईल होने देंगे ताकि इनका असर जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए पानी में। ठीक है, पानी को हम ढाँप देंगे और फिर बाद में मैं बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा कहवा जो है वो बन रहा है, हमारी पानी जो है वो बॉईल हो रहा है, तब तक जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आपको जल्द से जल्द मिले। ठीक है, थोड़ा सा पानी हमने डाला था और ये हमारी जो हमने मसाले डाले थे वो बॉईल हो चुके हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच जो है वो पत्ती के डाल देंगे, चाय वाली पत्ती। अभी हम इसमें शक्कर डालेंगे। ठीक है, ये अगर आप पहले कहवा बना लेते हैं इस तरह से तो आपका दूध जो है वो नहीं फूटेगा। हमारा तैयार हो गया, अब हम इसमें दूध डाल देंगे। ये तो ये ऐसी चाय है जो कि सर्दियों में अगर पी जाए तो आपको गर्म सर्दी जो है वो कम लगेगी। कहते हैं कि दूध डालने में काफ़ी टाइम गुजर चुका है लेकिन हमारा दूध जो है वो ख़राब नहीं हुआ। तो व्यूअर्स, अगर आप इस तरीके से चाय बनाते हैं तो आपकी चाय, गुड़ वाली चाय जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। देखिए, मज़ेदार मसाले वाली गुड़ की चाय रेडी है। अभी मैं इसको कपों में डालूँगी और फिर मैं सर्व करूँगी। जी तो फ्रेंड्स, ये अभी हम चाय डालने लगे हैं क्योंकि कितना मज़े का कलर है इसका और जितनी ये मज़े की देखने में लग रही है इतनी ही मज़े की वो ये पीने में भी होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा गुड़ वाली मसाले वाली चाय और यकीन करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आएगी। ये बच्चों के लिए मैं थोड़ी थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि ये चाय नहीं पीते, लेकिन आज इनको बात दी है, ठंड भी काफ़ी है, इसलिए फिर इनको भी जो है मैं थोड़ी थोड़ी सी चाय दूंगी ये मसाले वाली। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये गुड़ की चाय आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें और अभी मुझे इजाज़त है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।